आप अपना गिरेबान खुद देखिए। अन्य सदस्य एजुकेशन आपने कहा है तो आपका, और 2011 में इसी प्रिंसिपल की पंचायती इनके घर में झज्जर हुई, इसकी इंक्वायरी पुलिस महकमा करे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो आज ये सवाल उठा रही है। इनके घर में 2011 में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ FIR ना हो, इसकी पंचायत कराकर समझौता कराया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कर माननीय सदस्य ने मेरी तरफ पॉइंट आउट किया है। मैं चाहता हूं कि पुलिस विभाग उस प्रिंसिपल के खिलाफ आज तो सख्त कार्रवाई कर रहा है, मगर आज से उस प्रिंसिपल का पुराना इतिहास भी उठाया जाए। 2005 में भी ऐसा केस उसी प्रिंसिपल का था, उसके अंदर किसने समझौते करवाए, कौन उसका सिफारसी था, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। 2011 में किसने उसका ट्रांसफर फिर उचाना किया, कौन उस समय एजुकेशन एक मान्य सदस्य, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, आप अपना गिरेबान खुद देखिए। 2011 के फायदे नहीं कर रहे जिस आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग द जस्टिफाई नहीं, वो तो बता रहे हैं पुरानी बातें, जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं जो पहले जो हुआ है। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य एजुकेशन आपने कहा है तो आपका, और 2011 में इसी प्रिंसिपल की पंचायती इनके घर में झज्जर हुई, इसकी इंक्वायरी पुलिस महकमा करे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो आज ये सवाल उठा रही है। इनके घर में 2011 में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ FIR ना हो, इसकी पंचायत कराकर समझौता कराया गया, तो आज ये कृत्य ना होता। अगर टर्मिनेट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा पुलिस इन पहलुओं को देखती भी इन्वेस्टिगेशन करे, और जिनने समझौते कराए उन सारे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जी ठीक है, आप बैठिए। आप उसे कब रह गए, जब उप मुख्यमंत्री ने बात कही। आप बैठिए गीता जी, आप नहीं, उन्होंने की भूमिका नहीं भाई, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। जब आप कस्टोडियन थे तब आपने बचाया उसको, जब आप कस्टोडियन थे ना तब आपने बचाने का काम किया, हमने टर्मिनेट करने का काम किया। बैठो। अभय यादव जी, अन्य गीता बुक्कल जी, क्या ये फैक्ट है? बैठिए। आपने सदस्य से हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, हमने टर्मिनेट कर दिया। 2011 में इनके निवास में झज्जर में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ DDR कटी हुई थी, FIR ना हो, समझौता और फैसला कराया गया, क्या ये फैक्ट है? माननीय सदस्य बताए इस हाउस को। आपने बैठो। आप इन्होंने जिस चीज को आपने उठाया, अध्यक्ष महोदय, जिस चीज को आपने अपराधी को बचाने का काम किया, हमारे ऊपर एक आरोप लगा दो अगर अपराधी को बचाने का काम किया, हमने अपराधी को सजा देने का काम किया, किसी ने भी अपराध किया उसको सजा दिलाई। बैठिए प्लीज, बैठो। फैसला करवाए, आपने बचाए, हमने हर अपराधी को सजा दी, बिल्कुल सख्त से सख्त सजा दी। ठीक है, अपराध होता है, लेकिन हम सजा देने का काम कर रहे हैं। बैठो। श्री अभय सिंह यादव जी, मैडम बस बहुत हो गया। अभय यादव जी, आप बोलिए प्लीज, बोल लेना दो मेरा, आपका नंबर बाद में है जी। बैठो। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, और अब मैं ये नेगेटिव माहौल, नंबर आ रहा आपका, इस नेगेटिव माहौल को थोड़ा आपका देता हूँ आपका, अभी आएगा आप मेरा पॉजिटिव बातें कर लेते हैं दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं दो चार कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे रख रहा हूँ। हमारे नाम हमारे क्षेत्र में दो तीन के बाद आपका नंबर है सर। चलो अभी नंबर आपका, उनको बोल रहे हैं वो, आप एक बारी उसी। ये बहुत सीरियस मामला है, ये बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है।
महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। बड़ी हैरानी की बात है जब इस इशू को आपका 5 मिनट अभी देते हैं, बोल लो अभी बोल, मेरे 5 मिनट आपका दे देता हूं अभी आपको। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से दो लोग खड़े हुए और दोनों लोगों ने यह कहा कि ये 2005 में भी 2011 में भी ये इशू इसी हेडमास्टर से जुड़ा हुआ था। ये सरकार जो है ये कहती है इसकी जांच हो, तो फिर तुम सरकार में किसकी हो? जांच तुम करोगे कोई और करेगा? हमने उसको टर्मिनेट कर दिया जेल में। क्या किसी सरकार जो सरकार ने कर दिया, क्या कोई किसी लड़की से छेड़खानी करे? क्या कोई किसी की बहन बेटी आपने टर्म इससे ज्यादा आप बताओ आप क्या कर सका? कोई हमने टर्मिनेट कर दिया और उसको जेल में डाल दिया, क्या उसकी सजा केवल टर्मिनेट है? क्या उसकी सजा टर्मिनेट है?